हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा खाना की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आप देखते ही बोलोगे वाह। तो आज मैं आपको रोटी भुंजिया और सब्जी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बिना लहसुन और बिना प्याज का एकदम सात्विक खाना। तो अभी भिंडी और पटल का तो सीजन चल ही रहा है, तो मैं इसी सब्जी को बनाऊँगी जो कि अभी सीजन में चल रहा है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भिंडी को काट ली हूँ अच्छे से, और देखिए एक मैं हरी मिर्च को ले ली हूँ। अब देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम तेल। तो मैं सात्विक खाना बना रही हूँ, तो तेल को भी थोड़ा सा डालना है भिंडी के भुंजिया में। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे भिंडी को। अब भिंडी को अच्छे से चला लेना है और इसे हम ढक देंगे। तो दोस्तों, इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि भिंडी में नमक डालने से ये लाल टाइप का छोड़ देता है, लस्सा टाइप का, तो इसमें नमक अभी नहीं डालना है। देखिए 5 मिनट हो चुका है, देखिए अब भिंडी आराम से सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें हम नमक और हल्दी को डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी। तो जब तक हमारा भिंडी का भुंजिया बन रहा है, तब तक हम दूसरी सब्जी को काट लेते हैं। देखिए आलू को मैं अच्छे से छील ली हूँ, अब इसे मैं काट लेती हूँ। तो दोस्तों, आलू और पटल का सब्जी बनाऊँगी, तो देखिए पटल को भी मैं अच्छे से छील ली हूँ और आलू को भी छील के अच्छे से काट लेते हैं। देखिए आलू हमारा कट चुका है, अब मैं पटल को भी काट लेती हूँ। अब हम सब्जी को अच्छे से धो लेंगे, तो इसमें भरपूर मात्रा में आपको पानी डालना, ताकि अच्छे से हमारा सब्जी साफ़ हो। देखिए हमारा भिंडी का भुंजिया बन चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा मसाला। ये मिक्स मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें। अब इसे मैं एक कटोरी में उतार लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं दूसरी सब्जी को भी बनाऊँगी। अब डाल देंगे इसमें तेल को। तो मैं यहाँ पर देखिए सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ, आपको भी सरसों का तेल का ही बनाना है। थोड़ा सा डाल देंगे पचफोरन। पचफोरन हमारा अच्छे से चटक चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम सब्जी को, आलू पटल को। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। दोस्तों मैं यहाँ पर सब्जी को एकदम शुद्ध बना रही हूँ और एकदम सात्विक, इसमें इसीलिए मैं प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जो भी सीजन है अभी सब्जी का, उसी को मैं बना रही हूँ। फिर भिंडी और पटल का सीज़न ज़्यादा चल रहा है, तो मैं भिंडी का भुंजिया बनाई हूँ और आलू पटल का सब्जी बना रही हूँ। तो अब इसे 10 मिनट तक हम इसे ढक के पकाएंगे, ताकि आराम से सॉफ्ट हो जाए, अब इसे ढक देंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है, और देखिए सब्जी हमारा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है। तो सब्जी को हमें धीमी आँच में बनाना है, क्योंकि सात्विक खाना जो होता है वो धीमी आँच में इसका स्वाद बढ़ता है। इसे 5 से 10 मिनट हम इसे ढककर और पकाएंगे। देखिए दोस्तों, आलू और पटल हमारा अच्छे से भून चुका है, देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरीके से मैं सूखा सब्जी तो नहीं खाऊंगी, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी को डालूंगी, ताकि अच्छा लगे खाने में। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे, ताकि पूरा अच्छे से उबाल आ जाए इसमें। सब्जी तो हमारा बन ही चुका है, उसके बाद इसमें कुछ कुछ मसाले को डालेंगे। अब इसमें हम देंगे जीरा पाउडर, मिक्स मसाला, थोड़ा सा देंगे धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया जो होता है वो गर्म होता है, थोड़ा सा देंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सब्जी हमारा बन के रेडी हो चुका है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो सबसे लास्ट में आपको थोड़ा सा डालना है गरम मसाला, ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। देखिए इतना सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके और सब्जी को हम उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी और कितना बढ़िया हमारा सब्जी बन के रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बिना लहसुन और बिना प्याज का। तो अभी सावन का ये महीना चल रहा है, जिसमें हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ का दिन होता है और ये शुद्ध और सात्विक खाना होता है, जिसे खाने से
हमें किसी प्रकार का भी रोग नहीं होता और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो अब मैं एक थाली में परोस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भुंजिया को लूँगी। देखिए भिंडी का भुंजिया जो मैं बनाई थी, देखिए कितना बढ़िया एकदम से क्रंची क्रंची देखने में लग रहा है। और इधर मैं आलू और पटल का सब्जी को लूँगी। और यहाँ पर मैं ले लूँगी रोटी को। तो देखिए रोटी को मैं बना ली हूँ, चार रोटी। देखिए दोस्तों कितना मस्त हमारा खाना का थाली बन के रेडी हो चुका है, एकदम शुद्ध और शाकाहारी, जो कि आप कभी भी बना के खा सकते हो एकदम सिंपल और आसान रेसिपी से। इस तरीके का खाना अगर आप खाते हो तो हमेशा आप स्वस्थ और शुद्ध रहोगे, कभी भी आप बीमार नहीं होगे, कभी भी आप तामसिक नहीं होगे, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप हमेशा नॉर्मल और अच्छे और स्वस्थ रहोगे। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।